गुड मॉर्निंग, एक नई सुबह की बेहतर शुरुआत के लिए मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूँ मनी मॉर्निंग बुलेटिन, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुंचाता है आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर। तो चलिए मनी लाइन के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन के साथ करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए सेवी ने एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म के लिए जारी किए दिशा निर्देश। एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म को सेवी के साथ करना होगा रजिस्ट्रेशन। म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान की बिक्री नहीं कर पाएंगे एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म। ईओपी होगा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, यहाँ मिलेगी म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान स्कीम में सब्सक्रिप्शन, रिडम्पशन और स्विच ट्रांजेक्शन की सुविधा। नई ई कॉमर्स पॉलिसी करवाएगी विदेश और भारतीय ई कॉमर्स कंपनियों को एक समान बाजार उपलब्ध। ई कॉमर्स कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाली किसी कंपनी में नहीं लेगी हिस्सेदारी। कोई भी ई कॉमर्स कंपनी नहीं बेच सकेगी अपने ही प्लेटफॉर्म पर अपने ही ब्रांड को। देश में लागू होने वाली है नई ई कॉमर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट हो चुका है तैयार, सरकार जल्द कर सकती है इसे जारी। घर खरीदने का सपना हुआ और महंगा, जनवरी मार्च तिमाही में देश के 8 प्रमुख शहरों में घरों की कीमतें सालाना आधार पर बढ़ी 8%। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा 16% बढ़े घरों के दाम, कोलकाता में 15% और बेंगलुरु में 14% हुई वृद्धि। पिछले 11 तिमाहियों से दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रही है घरों की कीमतें। वही मुंबई महानगर क्षेत्र में कीमतें 2% घटकर 19,219 रुपये प्रति वर्ग फुट पर आई। विभिन्न घरेलू मार्गों पर औसत हवाई किराए में आई गिरावट, दिल्ली श्रीनगर सहित 10 घरेलू मार्गों पर कुल औसत हवाई किराए में आई कमी, यह रुझान आने वाले सप्ताह में भी जारी रहने की है संभावना। गो फर्स्ट के बंद होने के बाद कुछ मार्गों पर हवाई किराए में हुई थी भारी वृद्धि। नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन को हवाई टिकट का मूल्य उचित स्तर पर रखने का दिया था निर्देश। मुंबई दिल्ली मार्ग को छोड़कर अन्य मार्गों पर औसत हवाई किराए में आई है गिरावट। थोक महंगाई दर मई में घटकर 0 से 3.48% नीचे आई, थोक महंगाई का ये 3 साल का निचला स्तर। खाद्य पदार्थों, ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं के दाम घटने से थोक महंगाई आई नीचे, लगातार दूसरे महीने थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई है 0 से नीचे। अप्रैल में ये दर थी नकारात्मक 0.92%, मई 2022 में थोक महंगाई दर थी 16.36%, मई 2020 में थोक महंगाई दर थी नकारात्मक 3.37%। जीएसटी अथॉरिटीज ने पकड़ी देश भर में 30,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी। टैक्स चोरी में 18,000 लोगों के पैन और आधार की चुराई हुई जानकारी का किया गया इस्तेमाल। 4,000 शेल कंपनियां बनाकर की जा रही थी टैक्स चोरी। मध्य प्रदेश में पकड़ी गई 8,100 करोड़ रुपए की जीएसटी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने डेटा सेंटर के लिए भूमि आवंटन योजना की शुरू। डेटा सेंटर के विकास के 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद। इस निवेश से क्षेत्र में करीब 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। डेटा सेंटर के लिए निर्धारित 13 भूखंडों में से 2 भूखंड है सेक्टर नॉलेज पार्क 5 में स्थित, शेष 11 भूखंड सेक्टर टेक जोन में है। इस योजना में पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है आवेदन। बैंक कर्मचारी संगठन आरबीआई के विल फॉल डिफॉल्टर्स के साथ समझौता करने के फैसले का कर रहे हैं विरोध। आरबीआई ने दबाव वाली संपत्तियों से अधिकतम वसूली के लिए बैंकों को धोखाधड़ी वाले खातों और जानबूझकर चूक वाले मामलों का निपटारा समझौते के जरिए करने की दी है मंजूरी। संगठनों ने रिजर्व बैंक के इस कदम को बताया पीछे की ओर ले जाने वाला, इससे प्रभावित होगी बैंकिंग प्रणाली की सत्यनिष्ठा। जानबूझकर चूक वाले मामलों में निपटाने के प्रयासों को भी लगेगा झटका। उत्तर भारत में तापमान बढ़ने की वजह से बड़ी बिजली की मांग, दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग पहुंची 7000 मेगावाट के पार। दिल्ली में अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। बढ़ती गर्मी से कई राज्यों में बढ़ गई है बिजली की कटौती की समस्या। पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में लग रहे हैं बिजली के लंबे पावर कट। गर्मी और बिजली की वजह से कटौती में हो सकता है और ज्यादा इजाफा। छोटी और मझोली कंपनियों की तरफ से पिछले 5 महीने में नौकरियों के विज्ञापन पहुंचे रिकॉर्ड ऊंचाई पर। 70% कंपनियां चालू वित्त वर्ष में नई भर्तियों की बना रही है योजना। इस साल जनवरी से मई के दौरान एसएमबी के लिए जारी नौकरियों के विज्ञापन में देखा गया काफी उछाल। करीब 3 लाख नौकरियों के निकाले गए विज्ञापन। छोटी और मझोली कंपनियां कारोबार विकास और विस्तार, मानव संसाधन, अकाउंट और सेल्स जैसे विभागों में करेगी नई नियुक्तियां। रेनो इंडिया भारत में लॉन्च करेगी 3 नए मॉडल। एक मॉडल होगा ईवी। कंपनी जॉइंट वेंचर पार्टनर निसान मोटर के साथ मिलकर करेगी 5,300 करोड़ रुपए का निवेश। पहला नया मॉडल 2025 में होगा लॉन्च। जॉइंट वेंचर ने निसान की 51% हिस्सेदारी ली है, रेनो के पास 49% हिस्सेदारी है। दोनों कंपनियां मिलकर कुल 6 नए मॉडल करेंगी पेश। जेटविंग्स एयरवेज को GDFC से मिली NOC। अक्टूबर से जेटविंग्स एयरवेज भर सकती है उड़ान। एयरलाइन शुरुआत में उड़ान योजना के तहत पूर्वोत्तर और पश्चिम क्षेत्रों में करेगी उड़ानों का परिचालन। नई एयरलाइन शुरू होने से पूर्वोत्तर में हवाई संपर्क बनेगा बेहतर, इससे पर्यटन क्षेत्र का भी होगा तेजी से विकास।
यूट्यूब से कमाई करना हुआ और आसान, यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन पॉलिसी में ढील देते हुए नियमों को बनाया और आसान। यूट्यूबर्स कम सब्सक्राइबर संख्या के साथ चैनल से शुरू कर सकेंगे कमाई। यूट्यूब ने चैनल को मोनेटाइजेशन करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर संख्या की शर्त को घटाकर किया 500। नियमों में ढील से नए कॉन्टेंट क्रिएटर्स यूट्यूब पर अकाउंट बनाने के लिए होंगे आकर्षित। तो मनी मॉर्निंग में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों में अगर आपसे कुछ मिस हो गया है या पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें और अपनी जेब से जुड़ी खबरों को आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मनी नाइन की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। आपको करना क्या है, मनी नाइन की वेबसाइट पर जाने के लिए लॉगिन करना है www.moneynine.com पर और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए मनी नाइन के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी नाइन के साथ। नमस्कार।